अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अरे कैसे आए गौरी हम तोहरे अंगना, अरे कैसे आए गौरी हम तोहरे। भाई जी पढ़ना। अरे ललनवा आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे बैठो तो नहीं भाई, बैठो बैठो। भाई जी दूध ले आए आपके लिए। भाजी दूध बंद कर दिया भाजी हमने। तो छास या लस्सी कुछ तो ले। नहीं भाजी वो सब भी बंद कर दिया। अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो लेना होगा आपको। नहीं भाजी धन्यवाद बस। बड़ी फिक्र लगी है रे तुझे ओकरे खाने पीने की। हाँ यहाँ सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया, उसकी कौनो फिक्र नहीं तुझे? हाँ अरे आप भी ना देखिए तो उन्हें कितने दुबले पतले हो गए है। कोई टेंशन होगी ना, कोई है भी तो नहीं उसे देखने वाली। ठीक ठीक कहा भाऊजी आपने, टेंशन तो है, बहुत दुविधा में है। अरे कौनो चिंता सता रही रे तुझे, हाँ क्या हुआ? भाई जी अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाओगे? अरे इतना बढ़िया चल रहा है हमारा काम, हाँ पूरे कस्बे में हमारे जितना बड़ा तबेला किसी का नहीं, पूरे 500 गाय भैंस है, दूर दूर तक हमारा दूध जाता है। ठीक कहा भाई जी आपने, बड़ा काम है आपका, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। भाई जी वो सब देख के अनदेखा नहीं कर पा रहे हम। अरे कहा देख के अनदेखा करना है रे भाई जी, वो हर सुबह छोटे मासूम बच्चों की लाश नहीं देखी जाती। हाय हाय किसके बच्चे? अपने तबेले की गाय भैंसों के बच्चे। अरे कहाँ रोज रोज मरते हैं रे, वो एक आध दिन में दो तीन मर जाते हैं बस, और हम कहाँ मारते हैं उसको, अपनी मौत खुद मरते हैं ना। भाई जी माँ की अपने बच्चे के लिए पुकार, बच्चे का ममता के लिए तरसना नहीं सुना जाता भाई जी, आत्मा दुखती है। भाई जी आपका दिल कितना मोम जैसा है। यहाँ आए थे तो सोचा था मवेशियों की सेवा करेंगे, को घुमाएंगे फिराएंगे नहलाएंगे, भाई जी सारा दिन एक कोने में खूंटे से बंधे रहते अपने ही मलमूत्र में, वहीं पर खाना वहीं पर सोना वहीं पर बच्चे जन्ना वहीं पर दूध वहीं पर सब कुछ। अरे दिन में दो बार धुलाई तो करा रहे हैं ना हम। यहाँ आए तो सोचा था यादव कुल का काम करेंगे ग्वाले बनकर, सब बन गए भाई जी सब बन गए सिवाय ग्वाले के। सच कहा आपने। अब नहीं सहन होता भाई जी, हर हफ्ते वो कसाई का आना, छोटे मासूम नर बछड़ों को लेकर जाना। अरे इस व्यापार में नर बछड़े क्या काम के, अरे बोझ है वो। बोझ तो भाई जी कुछ सालों में गाय भैंसे भी हो जाती है जिसे आप बेच देते हो। अरे गाय अगर बच्चा ना दे पाए, भैंस अगर बच्चा ना दे पाए, उनका दूध भी कम हो जाए, तो ये दूध डेयरी उद्योग उनको रख के क्या करेगा बाबा, क्या करें? सही कहा भाई जी आपने, आप क्या करेंगे उनका, यही बात बोल के मैं अपने आप को समझाता रहता हूँ, लेकिन भाई जी हर साल उन माओं के साथ वो जबरदस्ती देख के। अरे बच्चों जैसी बात नहीं कराओ माओ के साथ। अरे जब उनका सीजन आता है वो गर्म होते हैं सिर्फ तभी हम उनका कृत्रिम गर्भधारण कराते हैं बस। अपने बच्चों के साथ तो हम ऐसा नहीं करते। क्या भाई जी उस समय वो एक दो दिन चिल्लाते हैं फिर शांत हो जाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करना जरूरी नहीं है। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमको दूध मिलता रहे, इतना तो हम भी जानते हैं। चुप बहुत ही स्मार्ट हो गया है, हमको सिखाएगा हा? अरे ये इस धंधे का उसूल है, हर कोई ऐसे ही करता है। अगर तू दूसरे तबेले में जाएगा तो क्या वहां पर ये सब नहीं होगा? बच्चे को माँ के साथ रखेंगे, बच्चा माँ का दूध पीते रहेगा। अरे नर बछड़े को क्या पाल के बड़ा करेंगे? 500 किलो का सांड बनता है वो, क्यों तेरा बाप खिलाएगा उनको? इतना सब तो हमको नहीं पता भाई जी, हमको ये सब पाप लगने लगा है। अरे पागल हो गया है क्या तू? ये सालों साल से व्यापार चल रहा है। जो भी हो अब हमको माफ करो। माफ करो? और तू क्या मंजीरा बजाएगा? दूसरा कोई काम आता है? नहीं आता। नहीं आता और तेरे ना करने से क्या ये काम बंद हो जाएगा? अरे तू नहीं तो 10,000 खड़े लाइन में काम करने के लिए। जानते हैं भाई जी फिर हमको ये हमसे नहीं होगा ये सब। हम तुम्हारी बात समझते हैं
और हमें भी माँ का दर्द देख के बहुत दुख होता है। दुख होता है? तू भी निकल, तू भी एक रेशम निकल, पर एक कपड़ा, रुतबा, सोना सब छोड़ पाएगी? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज सकी दीवाने। अरे आप भी ना, क्यों उन्हें गलत बोल रहे हो? इन मवेशियों के साथ गलत ही तो हो रहा है वहाँ। कौन हम गलत कर रहे हैं? ये सारा दूध के हम पी जाते हैं? अरे पूरा इंडिया पीता है दूध, इतना डिमांड है, कौन बुरा करेगा? हमारा ड्यूटी है ये, और पाप है तो सिर्फ हमारे सर क्यों? ये हर हर वही जो दूध पीता है उसका पाप है। पर उन्हें क्या पता कि इतना सब कुछ हो रहा है इनके साथ? क्यों नहीं पता? हमारा तबेला के कोई गुफा में है? अरे हर कोई जो दूध बेचता है वो ये सब गलत करता है। भाई जी सबको नहीं पता होता है। पता नहीं क्योंकि उनको पता नहीं करना। ससुर की नातियों को बिल्ली की तरह आग बंद करके सिर्फ दूध पीना होता है। अरे इतना सस्ता दूध कहाँ से आता है? हाँ, और ये 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 500 मवेशियों को क्या मैं मरे तक खिलाऊंगा 25 साल? हाँ, किसी के बाप दादा ने क्या जायदाद छोड़ी है? मैं पापी नहीं हूँ, सारे पापी हैं जो मुझसे ये काम कराते हैं। बंदूक थोड़ी रखी है तुम्हारे सिर पे ये काम करने के लिए? चुप, ससुर की नाती, इतने साल मलाई खाई और ये लफंगड़ के आते ही हिल गई। देख रहा हूँ मैं तेरा नैन मटक का तमसे इसके साथ। भाई जी भौजी माँ समान है। माँ समान, निकल निकल यहाँ से, चल सारा कल का जाता आज जा। जाते जाते हरामी हमारा खोपड़ी खराब कर गया। कहाँ कहाँ जा रहे थे? अंगना में बाबा, द्वारे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोरे घर वापस।